पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड द्वारा एक नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जिहड़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है उस दे नाल एक एग्रीमेंट साइन अप किया गया है जिस राही असी अपने सारे एकेडमिक अवार्ड सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स इस नू इस एकेडमिक डिपॉजिटरी विच अवेलेबल करवाउन जा रहे हैं। सो असी एक तुहानू माध्यम देता जिस राही असी ये सर्टिफिकेट तुहाडा ऑनलाइन अवेलेबल कराता एंड ऑल दीज यूनिवर्सिटीज ऑल दीज एम्बेसीज ऑल अदर यूनिवर्सिटीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशनज या कल जिते तुसी नौकरी करन जाओगे वो सारे इंस्टीट्यूट्स जिहड़े है तुहाडा पिया होया सर्टिफिकेट ऑनलाइन कदी भी तुहाडी कंसेंट दे नाल देख सकणगे। एंड सो ये ओवरऑल व्यू है। इस तों इलावा हुण तुहाडा मन च एक क्वेश्चन होएगा कि असी एज अ स्टूडेंट मैं ये किवें देख पावांगा डिजिटल सर्टिफिकेट कित्थे पे है किहड़ी वैबसाइट ते है। नैट दी वैबसाइट ते विजिट करन तों बाद उत्थे दो ऑप्शन आणगीआं साइन अप दी कि उन्हें साइन अप आधार बेस ना करना है कि नॉन आधार बेस ना करना है। अगर तो बच्चे का आधार नंबर है इतने इंपॉर्टेंट चीज़ टीचर साहबान तुम्हें नोट करना कि जिसनों भी तुम स्टूडेंट को गाइड करना है कि किमें रजिस्टर करना है वो दो चीज़ा होनी मैंडेटरी है। मैंडेट फील्ड की है एक तो वह मोबाइल नंबर आधार के नाल लिंक होना चाहिए जिस से वह OTP आएगा OTP स्टैंड फॉर वन टाइम पासवर्ड। सैकेंड वह वैलिड ईमेल अड्रैस जिस तरह तुम स्कूलों बच्चों गाइड करते हो ये भी चीज़ गाइड करनी है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव देयर वैलिड ईमेल अड्रैस। सर्टिफिकेट ता ही एक्सेस होएगा जे बच्चे को वैलिड ईमेल आईडी होएगी। अपडेट करवाना लाजमी होएगा क्योंकि जब तक वो अपडेट नहीं होएगा उस ते ओदा OTP नहीं जाएगा और बच्चा रजिस्टर नहीं कर सकेगा। सो बच्चा पहले वैबसाइट ते गया उत्थे उन्हें अपना आधार नंबर पाया नीचे एक कैप्चा की ऑप्शन आएगी कंप्यूटर टीचर समझते या कैप्चा सिक्योरिटी रीजन वास्ते वैबसाइट ते पाया जाता दैट आई एम नॉट ए रोबोट। सो कैप्चा एंटर करने के बाद जो नैक्सट करेगा बच्चे के मोबाइल पर एक OTP जाएगा वन टाइम पासवर्ड जिहड़ा उस बच्चे उत्थे एंटर करना पेगा। पासवर्ड जिस तरह ही एंटर करेगा आधार के सर्वर तो बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन फैच हो जाएगी ऑटोमैटिकली की आएगा वह नाम आ जाएगा फादर नेम मदर नेम एड्रैस डेट ऑफ बर्थ तो होर रैलीवेंट इन्फॉर्मेशन जी रिक्वायर्ड है ऑथेंटिकेशन वास्ते। इन द सेम वे जिदे नैक्सट करेगा उस बच्चे एक नैड आईडी प्राप्त हो जाएगा और वह नैड आईडी उसकी ईमेल पर जाएगा मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा। ईमेल पर आने का कारण यह है कि सिक्योरिटी रीजनस फिर उही गल कर रहे हैं असं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है ईमेल आईडी ते बच्चे दे उहदा नैड आईडी चला जाएगा जिसनों यूज़ करके बच्चा फरदर लॉगिन कर सकता है। जदों वो लॉगिन करेगा तो अपना आधार सपोज़ करो कि बच्चा कहता अज मेरे को आधार कार्ड नहीं है मैं रजिस्टर कराया 10 दिन बाद मिलना है बट बच्चा कह रहा है कि मैनू अर्जेंट मेरा सर्टिफिकेट चाहिए। सो दिस इज़ द बैटर प्लेटफॉर्म इतों वो अपना सर्टिफिकेट फैच कर सकता है। 10 दिन बाद अगर उन्होंने आधार नंबर मिल जाता है अपने नैड आईडी दे नाल लॉगिन करे उत्थे आधार अपडेशन की ऑप्शन आएगी अपडेट करे अपना आधार नंबर और आधार भी उहदा डेटाबेस दे नाल सिंक हो जाएगा। सो साडे वल्लों रेकमेंडेशन यह है कि तुसी बच्चे नू आधार बेस्ड ही रजिस्टर कराओ